दावोस में दुनिया भर के लीडर और कॉरपोरेट दिग्गज पॉलिसी और ग्रोथ पर चर्चा कर रहे हैं। बीक्यू प्राइम हिंदी ने बात की देश के केंद्रीय बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से। इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे बिजली के क्षेत्र में नए रिफॉर्म लाकर सरकार ने बिजली सप्लाई को बेहतर बनाया है। बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ वेफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में हो रहा है उसके मद्देनजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास शख्सियत श्री आर के सिंह जी, जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहूंगा कि काफी लोग सोचेंगे कि देश में पावर सेक्टर को लेकर बहुत बदलाव आ चुका है, 6 घंटे बिजली कटती थी, अब वो शायद बहुत पुरानी बात हो गई है। यहां से लेके 2023 से लेके अगर 2030 तक सोचें तो कस्टमर्स जो या ग्राहक या जो भी जो देख रहे हैं पावर सेक्टर, वो क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारा बदलाव तो हमें ला दिया। हाँ जी, पहले हम पावर डेफिसिट थे, अब सरप्लस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, पावर की कहीं पर कमी नहीं हो इसके लिए हमने ट्रांसमिशन मजबूत कर दिया। करीब 173,000 सर्किट किलोमीटर हमने ट्रांसमिशन जोड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत कर दिया। करीब हमने 2,05,000 करोड़ इन्वेस्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरे देश में सभी राज्यों में, ताकि अब बिजली की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों का कि बिजली अल्टीमेटली स्टेबल, बिजली का प्राइस हम लोग के देश में बिजली की प्राइस भी स्टेबल रहेगी, क्योंकि इतना रिन्यूएबल एनर्जी जो हम जोड़ रहे हैं तो बिजली की प्राइस बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो सस्ता है। ओके, अब उसमें कुछ चैलेंजेस अभी हैं, जैसे कि स्टोरेज वगैरह, तो जब तक कि स्टोरेज का चैलेंज नहीं हो जाता तब तक फॉसिल फ्यूल हमको इस्तेमाल करना होगा। एक चीज सुनिश्चित होगा कि हमारे यहाँ बिजली की उपलब्धता में हम कभी कमी नहीं आने देंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारा देश ग्रो कर रहा है और हमारा डिमांड भी ग्रो कर रहा है 10.5% के दर से, उस उतनी बिजली सप्लाई करने के लिए जो भी आवश्यकता होगा, हमको कैपेसिटी लगानी होगी, वो हम लगाएंगे, रिन्यूएबल हो या ना हो। हाँ, ज्यादातर रिन्यूएबल होगा, लेकिन जब जरूरत होगा फॉसिल का तो फॉसिल को भी लगाएंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फॉसिल तब जा सकता है जब ये स्टोरेज वायबल हो जाए, उसके बिना फॉसिल जाएगा नहीं। और उपभोक्ता को 2030 में हम ये सोच रहे हैं ऐसा हो कि एक तो बिजली अफोर्डेबल होगी, समय से मिलेगी, सर्विस लेवल्स बेटर होंगे, वो अपना सप्लायर चूज कर सके कि हाँ साहब सो ये कंपनी बढ़िया सब हमको सर्विस नहीं दे रही है, कंपनी बेटर सर्विस होगा तो मैं चेंज कर लूंगा, जैसे कि मोबाइल में है जी, वैसा हम चाहते हैं। और बेसिकली जितना ग्रीन हो वो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पर्यावरण को महत्व देती है। जी, सुपर सर। दूसरी एक बात ये होगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए पूरे रिन्यूएबल मिशन के लिए या थर्मल पावर कैपेसिटी एडिशन के लिए भी, हालांकि प्राइवेट सेक्टर को लाने हैं, बट आपको लगता है कि इन सब में दिक्कत हो सकती है या क्योंकि टारगेट्स काफी बड़े हैं? दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, दिक्कत नहीं। और कहीं दिक्कत हो हमारे यहाँ तो देखिए, ब्लूमबर्ग ने कहा अपना सर्वे करके कि पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है भारत, इंडिया, सुपर, क्योंकि इतना हमने कैपेसिटी हमने जोड़ दी और इतना कैपेसिटी हम जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हाँ जी, और उसके बाद हमने ऐसा एक इकोसिस्टम बना दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर हैं, हमने जो भी हर्डल्स है सभी हर्डल्स को क्लियर कर दिए, हमारा रेगुलेटरी ये सिस्टम्स बिल्कुल स्पष्ट है, इन्वेस्टमेंट्स जो रिटर्न्स क्लियर हैं, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं। एक बिड मैं करता हूँ तो 10-15 कंपनी कंपीट करते हैं, सभी प्राइवेट, हमको एक नया पैसा लगाना नहीं पड़ा। हाँ जी, सभी प्राइवेट कंपनीज है और उन सब में दुनिया के जितने बड़े बड़े फंड हैं सब उस प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टेड है। जी जी, तो अगर कोई दुनिया का बड़ा फंड है कोई और इंडिया में नहीं इन्वेस्टेड है, हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में नहीं इन्वेस्टेड है इंडिया में, तो दे आर मिसिंग आउट। गॉट इट सर। एक दो आखिरी सवाल, छोटे सवाल होंगे। एक ये है कि कई वर्षों से देखा गया था कि जो पावर डिस्कॉम लॉसेस जो थे वो काफी बड़े थे, उसके चलते
हमेशा डिस्कॉम हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क थी। हाँ तो आप अभी अभी मैं बताने इसको इसको नोट कर लीजिए अभी देखिए। हाँ एक साल में पिछले एक साल में हमने एटीएनसी लॉसेस को 5% कम किया, फ्रॉम 22% इट हैज गॉन डाउन टू 17% हाँ जी इन वन ईयर। कैन यू इमेजिन? या इट्स इसी देश में हमने कर दिया। ओके आगे चल के कैसा होगा सर? और अगले साल हम फिर 4-5% कर देंगे कम। ओके ओके गॉट इट। तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी वायबल हो गया। ओके पेमेंट सिक्योरिटी हो गई हाँ जी और एफिशिएंसी हो गई। उसके बाद ऐसी ऐसा हमने सिस्टम बना दिया है कि अगर आप लॉस कर रहे हैं, आप डिस्कॉम हो, आप लॉस कर रहे हैं, तो आप लोन नहीं ले सकते। हाँ जी पीएफसी से आरी से आपको लोन लेना होगा तो आपको पहले अपना लॉस कम करने का ये एक प्लान बनाना होगा, उस पर राज्य सरकार का दस्तखत लेना होगा, उसकी सहमति लेनी होगी, उस प्लान को फाइल करना होगा, तब जाकर के आपको पीएफसी है आरईसी जो एनबीएफसी जो फंडिंग करते हैं फंडिंग करेंगे, और उसमें अगर आपने जो जो स्टेप्स आपको लेना था नहीं लिया फंडिंग रुक जाएगी। गॉट इट सर। सर आखिरी सवाल, ये कार्बन रादर विंड पावर को लेके एक माना जाता है, काफी एनालिस्ट मानते हैं कि जो सबसे विंडी साइट्स हैं भारत देश में वो हैव बीन बुक्ड और कैप्चर्ड है, तो इसकी ग्रोथ फिर कैसे होगी? नहीं, एक तो हम ये कर रहे हैं कि रिपावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एरियाज हैं उसमें ये पुराने टर्बाइन्स लगे हुए हैं जो कि 1 MW 2 MW के, अब ऐसे टर्बाइन्स आ गए जो 15 MW के। हाँ जी तो रिपावरिंग की पॉलिसी हमारी आने वाली है। ओके और दूसरा हम ऑफशोर जा रहे हैं, तो हम अगर 2030 तक हम 30,000 MW ऑफशोर कैपेसिटी लगाएंगे, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं सब हमसे टच में है कि कब बिड कर रहे हैं, हम आना चाहते हैं। ओके एक्सेलेंट। ठीक है सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद, और होपफुली आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो और अच्छी तरह से कर सके आने वाले सालों में, इसी यही शुभकामनाएं।